तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। देखिए, आर्यन पास्ता बना रहे हैं अपने आप ही, अपने हाथों से। इन्होंने प्याज को फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए आर्यन अब खुद खाना बनाने लग गए हैं। चाय बना लेते हैं, पास्ता बना रहे हैं। ये देखिए, आज इन्होंने छुट्टी कर रखी है स्कूल की, कह रहे हैं हम घर में स्टडी करेंगे। अभी पढ़ाई घर में करते हैं और स्कूल भी जाते हैं और छुट्टी भी कर लेते हैं और घर में पढ़ाई करते हैं छुट्टी करके। अब पास्ता में प्याज फ्राई कर लिया है इन्होंने। अब आपको दिखाते हैं अगला स्टेप क्या करेंगे। पास्ता सॉस, ये पास्ता सॉस डाली इन्होंने। ये देखिए पास्ता सॉस डाल रहे हैं। देखिए पास्ता ऐसे बनता है, आर्यन ऐसे पास्ता बनाते हैं। और क्या डाल रहे हैं आप? ये मैगी मसाला डाल रहे हैं। ये देखिए ये मैगी मसाला। ये मैगी मसाला डाल दिया है इसमें। और क्या डालेंगे अब? पास्ता मसाला। अब पास्ता मसाला डाल रहा है इसमें। ये देखिए पास्ता मसाला आ रहा है इनके हाथ में है। पास्ता मसाला डाल दिया है। ये देखिए पास्ता मसाला अब अच्छी तरह से फ्राई कर दिया, सबको मिला के मिक्स कर दिया। ये पास्ता डाल दिया, ये पास्ता बन गया, बन रहा है। ये देखिए नानी भी धूप में बैठी हुई है और अब मौसम बहुत अच्छी तरह से खुल गया है। ये देखिए सूरज निकल रही है, धूप निकल रही है, सूरज भी है। अब ठंड नहीं है इस टाइम, थोड़ी सी भी गर्मी सी हो रही है हल्की सी। रानी भी धूप सेक रही है, मौसम खुल गया है। पास्ता इनका तैयार हो गया है बनके। देखिए फ्रेंड्स, देखो मैंने पास्ता बना लिया है। मैंने थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल दी, इसलिए इसका कलर थोड़ा ब्लैकिश सा हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हमने घर के लिए ये सामान लिया है। चीनी के दो पैकेट दिए, एक एक वाले। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ही एंड करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना और मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। बाय जिम।